हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। व्रत वाले सूखे आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने मोटे टुकड़ों में काट के बॉईल कर लिया है। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून तिल, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करने से सब्जी का लुक्स एंड टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून तेल, 2 टेबल स्पून भुनी हुई मूंगफली। यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है, लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मूंगफली को बिना तेल या घी डाले कढ़ाई में या तो तवे पे सूखा ही भूनकर इस्तेमाल कर ले। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया, 1 से 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इस सब्जी में हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा चिली फ्लेक्स लिया है, तो इसीलिए आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 10 से 12 कड़ी पत्ते और आखिर में हमें चाहिए स्वाद अनुसार सेंधा नमक। तो चलिए हम व्रत वाले सूखे आलू और मूंगफली की सब्जी बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन को गर्म करने के लिए रखेंगे और उसमें तेल डाल देंगे। तेल हल्का सा गर्म होते ही हम उसमें जीरा डालेंगे, तिल डालेंगे। जीरा और तिल को हम तेल में हल्का सा मिक्स कर लेंगे और तिल को चटकने देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देंगे। तेल में मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि हरी मिर्च सिक जाए। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे। अब इसे हिलाकर सभी चीजों को एक साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगाकर बंद कर लेंगे और गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सेकने देंगे। तो मैंने इसे 4 मिनट के लिए अच्छे से सेक लिया है। इसे एक बार हिला लेंगे तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आलू अच्छे से सिक गए हैं और इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो इस सब्जी की खास बात यही है कि आप आलू को अच्छी तरह से सिकने दो तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे, भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे और आखिर में बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। अब इसे हम वापस से हिलाकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इस सब्जी में खट्टापन पसंद है तो आप इसमें आमचूर पाउडर या तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हमारी सब्जी तैयार है तो गैस बंद कर लेंगे। अब इसे सर्व करने के लिए एक सर्विंग बाउल ले लेंगे और इस सब्जी को हम सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। इस सब्जी में आलू के साथ में हरी मिर्च का तीखापन और मूंगफली का क्रंच बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप उपवास में ऐसे ही खा सकते हैं या तो इसे राजागरा के आटे की पूरी या तो भाकरी के साथ में भी खा सकते हैं। इसे आप बिना उपवास के भी बना सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।